डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पूंजी संरचना डेट और इक्विटी का एक कॉम्बिनेशन है, और ये जितना अच्छा होगा, जितना बढ़िया ढंग से कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, उतना ही कंपनी के लिए फायदेमंद है। तो पूंजी संरचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमेशा से एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होती है, यानी कि एक बहुत ही अनुकूल उत्तम पूंजी संरचना का स्ट्रक्चर होना चाहिए, और पूंजी संरचना जितनी बढ़िया ढंग से बनाई हुई होगी, कंपनी भी उतनी बढ़िया ढंग से चलेगी, क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ फॉर्म सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, लागत, पूंजी की जो लागत है वो बहुत कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉर्म, ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की मूल धारणा रहती है। इसके अंदर कम जोखिम हो, ज़्यादा रिटर्न हो, मिनिमम रिस्क हो, मैक्सिमम रिटर्न हो, सेफ्टी रहे, कंट्रोल रहे इन्वेस्टर्स का, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा जो पूंजी संरचना का जो स्ट्रक्चर है, ये पॉसिबल नहीं है। हर कंपनी का अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है और हर कंपनी की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते इतना ऋण और इतनी अंश पूंजी हो तो सब अच्छा चलेगा। किसी को ज़्यादा ऋण की आवश्यकता हो सकती है, किसी को ज़्यादा अंश पूंजी की आवश्यकता हो सकती है, पर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर अर्थशास्त्री या जो फाइनेंशियल मैनेजर्स वगैरह हैं वो कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे भी हम बना लें। अब इसके लिए कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है। जो थ्योरीज हैं वो हैं मेनली तीन तरह की, तीन या चार तरह की। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक सिंपल सी थ्योरी, जो पहली थ्योरी है वो है डेविड ड्यूरेंट की नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहली थ्योरी हमने उठाई है वो है शुद्ध आय दृष्टिकोण। शुद्ध आय दृष्टिकोण ये पूंजी संरचना का एक सिद्धांत है, एक दृष्टिकोण है कि कैसी पूंजी संरचना होनी चाहिए, आदर्श पूंजी संरचना किस प्रकार होनी चाहिए, उसकी एक अवधारणा है जिसका नाम है नेट इनकम अप्रोच, शुद्ध आय दृष्टिकोण। किसने दिए ये आप नोट कर लें, डेविड ड्यूरेंट ने दिए। और इसको एक और चीज कही जाती है, इसको फिक्स्ड पे थ्योरी भी कहा जाता है, इसको फिक्स्ड पे थ्योरी भी कहा जाता है। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ अजम्पशंस हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण अजम्पशन है कि डेट यानी कि जो ऋण है वो हमेशा अंश पूंजी से सस्ता पड़ेगा, डेट इज ऑलवेज चीपर। यानी कि हम अगर अंश पूंजी को, या इक्विटी की भी एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, तो जो अंश पूंजी की लागत है वो ऋण की लागत से हमेशा ज़्यादा होती है, और ऋण की लागत अंश पूंजी की लागत से हमेशा कम होती है। यानी कि ऋण लेके व्यापार करना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि ज़्यादा से ज़्यादा अंश पूंजी देना, क्योंकि अंश अगर आप ज़्यादा इशू किए, ज़्यादा इक्विटी शेयर हैं आपके, तो ज़्यादा डिविडेंड बंटेगा, जो अर्निंग होगी डिविडेंड में ज़्यादा बंटेगी, कंट्रोल भी यहाँ से जाएगा, तो जो ऋण है आप सस्ते में ले सकते हो उसके मुकाबले। ये इसकी पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता है कि इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है, कोई आयकर नहीं है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। तीसरी चीज़ इसकी मान्यता है वो ये है कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो निवेशक हैं, चाहे हम कितना भी ऋण लें, यानी कि इस मिक्सचर में, इस मिश्रण में कितना भी हम ऋण बढ़ाएं, उनको लगेगा नहीं कि जोखिम बढ़ रहा है, उनकी जो रिस्क परसेप्शन है वो चेंज नहीं होती। इंक्रीज हो डेट का तो भी रिस्क परसेप्शन सेम ही रहती है, यानी कि इन्वेस्टर्स ये नहीं मानते निवेशक कि अब जोखिम बढ़ गया, ज़्यादा इन्होंने बाजार से ऋण ले रखा है तो जोखिम बढ़ गया। तो इसकी तीन महत्वपूर्ण मान्यताएं ये हैं। इसके अंदर अब आप कुछ फॉर्मूला भी नोट कर लें। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म की बात आती है वीवी से, आप इसको डिनोट कर सकते हैं। उसके अंदर है एस प्लस डी। एस क्या है, ये है वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और डी है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो एस क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, डी है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। दोनों का जो सम है वो है बी, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म। हमारा अजम्पशन क्या है, एक तो शेयर कैपिटल ले रखा है और दूसरा डेट ले रखा है, या तो अंश से कैपिटल स्ट्रक्चर बन रहा है या ऋण से कैपिटल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो दोनों, अंश की मार्केट वैल्यू और डेट की मार्केट वैल्यू जो होगी, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म होगा।
तो डेट की मार्केट वैल्यू आपको जो दे रखी होती है फेस वैल्यू, वो हो जाएगी डेट की मार्केट वैल्यू। अब लेकिन शेयर कैपिटल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगी? वो आएगी ई बी टी ओवर ए ई। ये है एस सी एल। ई बी टी क्या है? बेसिकली आप पहले पढ़ चुके हैं अगर ट्वेल्थ में आपने ध्यान दिया हो तो, अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम जो होती है ईबीआईटी जो है उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा अपना ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। सबसे पहले जो अर्निंग आएगी रन पे ऊपर ब्याज देने के बाद, लेकिन कर से पहले, अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, यानी कि ईबीआईटी में से आई माइनस कर देंगे, फिर उसको कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर देंगे, केई से कर देंगे, तो ईबीटी ओवर केई। ये है अंश की मार्केट वैल्यू, यानी कि अंशों का बाजार मूल्य कैसे निकालेंगे आप? ईबीटी ओवर केई से, ये आ जाएगा। और डेट का मार्केट वैल्यू आपको पता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो होगी वैल्यू ऑफ फर्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरा ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है हमको, ये भी हमको क्वेश्चन में पूछते हैं। अब वो आपकी कैसे निकलेगी? ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट के लिए क्या करना है आपको? ईबीआईटी लेना है डिवाइडेड बाय, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, ये आ जाएगी ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। ईबीआईटी ओवर वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म जो हमने अभी निकाली है, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ये जो अभी निकाली है इसको हम करेंगे, ये हम इसको नीचे रखेंगे और ईबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग इनकम जो है उसको ऊपर रखेंगे, फिर हमारा आ जाएगा वैल्यू या ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। इसको हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूलाज लिख लीजिए कि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आएगी, एस प्लस टी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो नेट इनकम अप्रोच को हम समझ रहे हैं, अब इसको एक फॉर्मूला के तरीके से समझते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपने फॉर्मूला जो मैंने बताया वो लिख रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा उनको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और कुछ हमको निकालनी है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास है नेट ऑपरेटिंग इनकम। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखी है नेट ऑपरेटिंग इनकम। जब बात की जाए नेट ऑपरेटिंग इनकम की तो उसका मतलब है ईबीआईटी। फिर हमको क्वेश्चन में जनरली दी जाएगी डिबेंचर्स कितने हैं, तो डिबेंचर्स दिए हुए हैं आपको मान लीजिए 2,00,000 के, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 8% के। अब ईबीआईटी यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम आपको अज्यूम करते हैं दे रखी है 80,000। 80,000 रुपये आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है। अब उसके बाद हम अज्यूम करते हैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल के ई दे रखी है 10%। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ईबीआईटी आपको दे रखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम, एक कंपनी की अर्निंग कितनी हुई 80,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसके बाद उनके डिबेंचर्स हैं 2,00,000 के, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के ई डोनेट करता है इक्विटी कैपिटल को, ये दे रखा है 10%। अब 10% आपको दे रखा है, अब इसके बाद निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, ये ध्यान में रखिए। आपको एक तो वी निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म, दूसरा आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, यानी कि आपको दो चीजें ढूंढनी है, एक वैल्यू ऑफ फर्म और एक ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, ये आपसे पूछा जाएगा। अब इन दो चीजों को निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले वी का फॉर्मूला क्या था? एस प्लस डी। इसका मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, यानी कि अंश पूंजी का बाजार मूल्य और ऋण का बाजार मूल्य दोनों का जो टोटल है वो है कंपनी का बाजार मूल्य, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म। कंपनी का बाजार मूल्य है अंश पूंजी का बाजार मूल्य और ऋण का बाजार मूल्य, बी इज इक्वल टू एस प्लस डी। फिर हमको ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है? अर्निंग्स ओवर
वैल्यू अकाउंट, अर्निंग यहां पे क्या होगी, ई बी आई टी ओवर वी। तो ई बी आई टी आपको दे रखा है 80,000, 80,000 ई बी आई टी आपको दे रखा है। वैल्यू ऑफ फॉर्म हम निकालेंगे, जब ई बी आई टी आपको मिला हुआ है वैल्यू ऑफ फॉर्म निकल जाएगी तो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट निकल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैल्यू ऑफ फॉर्म से। वैल्यू ऑफ फॉर्म में हमारे पास एक चीज पहले से दे रखी है, वो है डिबेंचर की मार्केट वैल्यू, वो 2,00,000 ही है और हमें एस निकालना है। डिबेंचर्स की इजीली मिल जाएगी लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल की निकालनी पड़ेगी। अब उसे निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, वो है ई बी टी ओवर के ई। ये नोट कर लीजिए, ई बी टी ओवर के ई। अब ई बी टी निकालना कुछ खास मुश्किल नहीं है, 80,000 आपको दे रखी है यानी ऑपरेटिंग किए लेस, रह जाएगा 80,000, 80,000 आपका जो है वो है अर्निंग नेट ऑपरेटिंग इनकम। उसमें से 2,00,000 के सॉरी डिबेंचर्स हैं, 8% रेट हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 16,000 आपका ब्याज आ गया। 16,000 इसमें से लेस करते हैं, इसमें से लेस कर देंगे तो आएगा 64,000। कितना आएगा, 64,000। अब 64,000 हमारे पास आ गया ईबीटी। 80,000 ऑपरेटिंग इनकम से जब 16,000 इंटरेस्ट निकाल दिया, 2,00,000 का 8% 16,000 वो आपने निकाल दिया, तो हमारे पास आ गया 64,000। कितना, 64,000। अब ये जो 64,000 है इसमें से हम कैपिटलाइजेशन रेट लेंगे 10%, तो हमारा आ जाएगा 6,40,000। तो 64,000 हमारा ईबीटी था, 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है, उसे डिवाइड किया तो क्या आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर यानी कि एस हमारे पास आ गया। एस 6,40,000, डिबेंचर्स कितनी है 2,00,000। इस फॉर्मूले में 6,40,000 और 2,00,000 पुट अप करेंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 8,40,000। तो 8,40,000 हमारी वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गई। एक कंपोनेंट हमको मिल गया, अर्निंग हमको ईबीआईटी पहले से दे रखी है तो 80,000 ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब 80,000 डिवाइडेड बाय 8,40,000 आ जाएगा 9.52 समथिंग। तो 9.52 समथिंग आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो आपको ये तीन चीजें दे रखी थी, ईबीआईटी, डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर आपने वैल्यू ऑफ फॉर्म चाहिए थी आपको, वैल्यू ऑफ फॉर्म आपको डिबेंचर्स मिले, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर कहाँ से मिले, इस फॉर्मूला से निकाल लिया आपने 6,40,000, वो आपने यहाँ पे पुट अप किए डिबेंचर से ऐड किए, आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म यानी कि कंपनी का बाजार मूल्य आ गया, ऋण का बाजार मूल्य और अंशों का बाजार मूल्य जोड़ के कंपनी का बाजार मूल्य आ गया, वो आपने ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे रखी उसे डिवाइड किया, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन आ गया 9.52। इस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। आप दो तीन जब आंसर निकालेंगे, दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। कल हम बात करेंगे नेट इनकम अप्रोच की, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की जब हम बात करेंगे तो वो का शुद्ध परिचालन आय दृष्टिकोण। आज हमने बात की थी शुद्ध आय दृष्टिकोण की, कल हम बात करेंगे शुद्ध परिचालन आय दृष्टिकोण की यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। थैंक यू।